तो मैं मनीष सिंह शेयरफिक.इन से आज हम लोग बैंक निफ्टी के इंटरनल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट हुआ। वी विल लुक इनटू द ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेवल्स, हम लोग डेटा एनालिसिस करेंगे, ट्रेंड लाइन चार्ट को भी देखेंगे एंड देन वी विल प्लान फॉर टुमारोज ट्रेड। सो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और डेली चार्ट में आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज 36,400 लेवल को बहुत ही शानदार तरीके से होल्ड किया और उसके बाद एक बाउंस बैक दिया। ये एक्सपेक्टेड था। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी जो नीचे आया है वो सिर्फ शॉर्ट क्रिएट करने आया था कॉल साइड में और उसके बाद शॉर्ट कवरिंग अब होना बाकी है। तो दैट वाज द रीजन दैट वी हैड टेकन 36,300 कॉल एट 290 रुपीज यस्टरडे एंड टुडे वी एग्जिटेड इन गुड प्रॉफिट एंड अगेन वी बॉट 36,300 कॉल अगेन एट 400 लेवल व्हेन इट केम डाउन एंड देन अगेन वी आर होल्डिंग फॉर द टुमारो। सो ये बैंक निफ्टी में बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग है और इंट्राडे चार्ट को देखते हैं और फिर समझते हैं कि इंट्राडे में क्या हुआ एग्जैक्टली। यार ये इंट्राडे चार्ट है और इंट्राडे चार्ट में आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ओपन हुआ, बहुत ही शानदार मूव दिया, उसके बाद कॉन्सोलिडेट करने के बाद एक फिर वापस एक टॉप बनाया और टॉप बनाया और 36,800 लेवल जो हमने बोला था कि 36,800 लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा एग्जैक्टली वहां पर जाकर बैंक निफ्टी ने वापस नीचे डिप दिया क्योंकि यहां पर डेटा रेडी नहीं था। डेटा में कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स में ऑलमोस्ट 10 लाख का डिफरेंस था। सो इसलिए बैंक निफ्टी यहां से नीचे आया। नीचे आने के बाद वापस उसको 35,500 लेवल पे बैंक निफ्टी को डेटा के अनुसार सपोर्ट मिला और सपोर्ट लेने के बाद फिर वापस बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूव दिया और 36,800 के ऊपर क्लोजिंग दिया। सो दैट क्लोजिंग इन बैंक निफ्टी अबव 36,800 इज अ ब्रिलियंट क्लोजिंग एंड दिस वॉज एक्सपेक्टेड। बैंक निफ्टी आज ऊपर की तरफ क्लोज देगा और ऊपर की तरफ मूव देगा। कल के लिए क्या हो सकता है, कल बैंक निफ्टी जैसे ही 36,800 के ऊपर अगर निकलता है तो बैंक निफ्टी में फिर से वापस एक बड़ा मूव आएगा और बैंक निफ्टी को 37,300 की तरफ लेके जाएगा। नाउ वी विल लुक इनटू द लाइन चार्ट। आप ये लाइन चार्ट देख सकते हो बैंक निफ्टी का। मैंने कल ये बताया था कि बैंक निफ्टी यहां से सपोर्ट लेकर एक बाउंस बैक आएगा। कल का ब्रेकआउट लेवल आपको बैंक निफ्टी में क्लोजिंग बेसिस पे इंट्राडे में 36,832 रुपीज का 32 का है। सो 36,832 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी आवर्ली कैंडल क्लोज होता है तो आपको बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम ऊपर की तरफ मिलेगा और 36,500 पे और 36,700 एंड 800 पे जो भी शॉर्ट्स क्रिएटेड है कॉल साइड से वो उनमें अनवाइंडिंग होगा और बैंक निफ्टी और ऊपर की तरफ मूव करेगा। सो बैंक निफ्टी का लाइन चार्ट का इंट्राडे चार्ट हम देखते हैं। इंट्राडे चार्ट में आप देख सकते हो कि कल के डिप के बाद बैंक निफ्टी ने जो मूव दिया उसी पैटर्न को मेंटेन किया हुआ है। कोई भी उसमें कुछ भी यहाँ पर देखो आप सपोर्ट लिया फिर वापस ऊपर गया फिर वापस ऊपर गया तो दिस इज ब्रिलियंट मूव। आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है फिर वापस कल इधर ब्रेकआउट, तो कल का ब्रेकआउट आपको रहेगा 36,831 बताया था मैंने और इंट्राडे बेसिस पर 36,850 का ब्रेकआउट है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेगा। अगर कल का स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हो जाएगा क्लोजिंग बेसिस पे आवर्ली कैंडल में 36,736, इसके नीचे अगर आवर्ली कैंडल में क्लोजिंग हो जाता है तो आपको नीचे में फिर वापस बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाएगा। बट ये बहुत ही रेयर चांस है। 36,850 के ऊपर बैंक निफ्टी जैसे क्लोजिंग देता है आपको 36,991 का लेवल आएगा और उसके ऊपर निकलते ही बैंक निफ्टी 37,200 की तरफ निकल जाएगा। तो ये सारे चीजें जो है शॉर्ट कवरिंग क्यों होगी वो डेटा में देखते हैं। 36,500 लेवल पे आप देख सकते हो कि 7 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में जिसमें 15 लाख अनवाइंडिंग हुआ। कल के दिन मैंने यही बोला था 36,500 लेवल पे यहाँ पे अनवाइंडिंग होता है कि नहीं। बैंक निफ्टी जो ट्यूसडे को नीचे की तरफ मूव दिया था उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही था यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट करना, जो हमने मंडे को वीडियो में बोला था कि एक मूव नीचे आएगा और यहाँ पर शॉर्ट क्रिएट होगा तब जाकर बैंक निफ्टी 36,800 के ऊपर होल्ड करेगा और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ और बैंक निफ्टी ने 36,800 के ऊपर में क्लोजिंग दिया। कल के दिन नीचे बैंक निफ्टी जाकर यहाँ पर कॉल साइड में शॉर्ट क्रिएट हुए और आज देखिए अनवाइंड चालू हुआ और ये अनवाइंड ही बैंक निफ्टी को 36,800 के ऊपर लेकर आया। मंडे को जो यहाँ पर पेंडिंग था ट्यूसडे को यहाँ पर क्रिएट हुआ और वेनसडे को आज उसका शॉर्ट कवरिंग चालू हुआ। अब आगे देखिए कितना स्ट्रांग सपोर्ट बन चुका है 36,500 लेवल पे। यहाँ पे 17,46,000 ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में जिसमें 1,98,000 आज ही ऐड हुआ है और 36,500 लेवल पे 15 लाख का अनवाइंडिंग हो चुका है। 15 लाख इज अ वेरी ह्यूज नंबर
एंड 15 लाख का अनवाइंडिंग होने का मतलब यह है कि बैंक निफ्टी में ऊपर का मूव 36,800 के ऊपर क्लोजिंग देना निश्चित था। तो ये हो गया आपको 36,800। अब यहां से आगे की रैली होगी कब, जब आपको 36,800 लेवल पे भी अनवाइंडिंग हो और यहां पर जो बचे हुए शॉर्ट्स हैं उनमें भी अनवाइंडिंग चालू हो। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर 36,500 लेवल पर 7 लाख पेंडिंग है, यहाँ पर 5 लाख है। तो ये और 7 और 5 लाख प्लस यहाँ पे 9 लाख, ये सारे अगर अनवाइंड होते हैं तो 37,000 का लेवल कहीं भी दूर नहीं है। और 37,000 के ऊपर निकलते ही बैंक निफ्टी में 20 लाख का शॉर्ट क्रिएटेड है। 37,000 पे ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। यही 20 लाख आपको शॉर्ट कवरिंग्स का सहारा भी मिलेगा बैंक निफ्टी में, और ये ऊपर की तरफ बड़ा मूव देने के लिए आपको हेल्प करेगा। तो बैंक निफ्टी में मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस था मंडे से लेकर अभी तक, एग्जैक्ट वही ट्रेड हो रहा है जो हमने प्रेडिक्ट किया था और वैसा ही ट्रेड हमने बनाया भी। आगे के लेवल में आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट है 37,000 पे एंड 4 लाख का है ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। तो 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल साइड में है, यहाँ भी अनवाइंडिंग हुआ है, बट ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, एक बार में क्रॉस नहीं करेगा। हो सकता है एक बार आकर फिर वापस 36,900 के पास कंसोलिडेट करे और फिर वापस ऊपर की तरफ जाए। अगर बैंक निफ्टी 37,200 के पास निकलता है, जो चार्ट में दिख रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली का चार्ट में इंडिकेशन है, अगर 37,200 के ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी, तो ये 20 लाख एंड पीछे 15 लाख जो 36,800 पे है, ये बैंक निफ्टी को बहुत ही ऊपर 37,700 की तरफ भी लेके जाएगा। आई एम वेरी मच बुलिश इन बैंक निफ्टी। आज बैंक निफ्टी जब नीचे भी आया तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में बोला था कि बैंक निफ्टी पोजिशनली इज लुकिंग वेरी स्ट्रांग एंड वो बहुत ही अच्छा है और आप जरूर बाई करें। तो बैंक निफ्टी को बाय एंड डिप करते हुए आपको रखना है और कल की स्ट्रेटजी बनानी है। तो कल एक्सपायरी है, यू नीड टू लुक इनटू द डेटा एंड ऑल। कल अगर ओपन गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा वेट कीजिए, नीचे आने पे थोड़ा बाय कीजिए और उसके बाद आप ऊपर में 37,000 के ऊपर का वेट कर सकते हैं। 36,700 इमीडिएट बेसिस पर आपको, सो वी विल कंक्लूड दैट 36,700 लेवल 12 लाख एंड 9 लाख ये आपको इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट बन चुका है। ये आपके लिए कल मेक एंड ब्रेक का लेवल का काम करेगा। इसके ऊपर जब तक टिके हैं हम ऊपर हैं, इसके नीचे जाएंगे तो नीचे का एक मूव मिल सकता है। 36,800 लेवल ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, 15 लाख ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में एंड 7 लाख ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में, ऑलमोस्ट डबल है। अगर कल ऊपर में 36,900 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर खुल जाता है, पप होता है, तो ये 7 लाख 5 लाख एंड 9 लाख जो पीछे और बचे हैं ये बैंक निफ्टी को 37 के ऊपर ले जाएंगे और बाकी का जो 37 के ऊपर जाने का जो मूवमेंट है वो 36,000 पे जो 15 लाख है ये बैंक निफ्टी को हेल्प करेगा ऊपर ले जाने के लिए। सो बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी रखनी है, स्टॉप लॉस थोड़ा दूर रखना है, कल वॉलिटिलिटी भी रहेगी। तो रेंज आपको क्लियर पता चल गया, स्टॉप लॉस 36,700 के नीचे में आपको बनाकर रखना है और ऊपर में बाय करते रहना है। I hope you, I have explained all the details regarding the line chart, candlestick pattern and the data. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए please like कीजिए, share कीजिए और subscribe कीजिए। मेरे telegram channel पे मैं calls provide करता हूँ जो absolutely free है, there is no charges for that। और मैं सारे स्टॉक्स के लेवल्स भी देता हूँ, स्टॉक्स ऑप्शन देता हूँ, मेनली स्टॉक्स ऑप्शन एंड बैंक निफ्टी ऑप्शंस, निफ्टी ऑप्शंस का ट्रेड देता हूँ मैं। ओके, सो मिलते हैं कल एक्सपायरी के दिन शाम में नए डेटा के साथ, नए स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ सेल्फ, थैंक यू, जय हिंद।